आज ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आज सुबह 9 बजे से लेकर के हम लोग काम पे हैं, सब लोग 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। आज हमने 120 पेशेंट तकरीबन क्वारंटीन सेंटर भेजे हैं अस्पताल से, और बाकी बहुत सारे पेशेंट को एडमिट भी किया है। आज एक घटना हुई है हमारे साथ, बाहर कैट से पेशेंट लेकर के आए दो लोग, उनका एक पेशेंट को हमने देख लिया था, क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ। वो डॉक्टर के पास गए, अपना मास्क निकाला और अपना सूट निकाल के डॉक्टर के बहुत करीब आ गए। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। जब उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया तो हमने लेडी गार्ड को बुलाया, क्योंकि जिसने हाथ उठाया वो फीमेल स्टाफ था, कोई जो कैच में काम करता था, उसके साथ में एक मेल स्टाफ था जिसने पीछे से आकर के हमारे लेडी गार्ड की गर्दन पकड़ ली और गालियां देना शुरू कर दिया। इस सबको हटाने के लिए जब हमने गार्ड को बुलाया तो उन्होंने गार्ड के साथ भी लापरवाही की और अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज किया, हमें गालियां दी और बार बार एक ही बात बोले थे कि हमें कोरोना होगा तो आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इन लोगों से भी झगड़ा करना पड़ रहा है। वो लोग हमारे साथ आते हैं, मिस्ती है, करते हैं। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कभी कभी पेशेंट के अटेंडेंट आके हमारे ऊपर लड़ते हैं, हमसे झगड़ते हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा या कुछ ही बोलते हैं, बट हम पेशेंट्स के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम काम करेंगे, हम कोविड को डील करें, कोविड से लड़े या इन लोगों से लड़ाई करें। देखिए, हमारा अस्पताल पूरा एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, जहाँ पर हमें दिन रात कोविड से लड़ना होता है। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ आएंगी तो हमारे को बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा काम करना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कोविड से लड़े या इस तरह की दिक्कतों से लड़े। हर रोज कोई ना कोई ऐसी वीडियो निकलती है जहाँ पर हम डॉक्टर्स की और हम लोगों के काम की और हमारे अस्पताल की बुराइयाँ दिखाई जाती है।